इस वीडियो में दो बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा जो बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन से संबंधित है। अब तक आप में से काफ़ी लोगों ने ये देख लिया होगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है। सिटी तो आपको पहले से पता था, अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात हो रही है। आज सुबह से ही कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे एक पीडीएफ वायरल हुआ जिसमें लिस्ट लिखा हुआ था, पर उसमें सेकेंडरी वालों के लिए कंप्लीट नहीं था। प्राइमरी का तो सारा इन्फॉर्मेशन था उसके अंदर, पर सेकेंडरी का कंप्लीट नहीं था। लेकिन अब अगर आप डैशबोर्ड पर लॉगिन करेंगे, बीपीएससी का जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड है उसे लॉगिन करेंगे, तो आपको अपने डैशबोर्ड में आपका सेंटर कहाँ पर है वो दिख जाएगा। मुद्दे का बात यह है कि क्या फिर से एडमिट कार्ड जारी होगा? तो जी नहीं, कोई एडमिट कार्ड अब जारी नहीं होगा। जो सेंटर कोड है उसी से मिला करके अपने सेंटर पर जाइए। आज के अखबार ने भी पता नहीं कैसे ये बात लिख दिया कि फिर से एडमिट कार्ड आने वाला है। तो इस तरह की गलतफहमी में मत रहिए। इसको बीपीएससी चेयरमैन ने ही पहले कहा था इस बात को कि जो आपका डाउनलोड हो चुका है वही आपका एडमिट कार्ड है। इसके अलावा एक दूसरी बात और जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, कि कई सारे कैंडिडेट का एग्ज़ाम जो अपना एडमिट कार्ड है उसके ऊपर फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह धुंधला है, इसको लेकर के परेशान है। आपके स्क्रीन पर देखिए जो अनुदेशक पुस्तिका आई थी एग्जामिनेशन के इंस्ट्रक्शंस को, इस तरह से एग्जीक्यूट करना है पूरे एग्जामिनेशन को, उसमें 35 नंबर पेज पर क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं भी रहेगा, खो जाता है, वो वहाँ पर जो लोकल अथॉरिटी है एग्जामिनेशन सेंटर पर उसको इन्फॉर्म करता है लिखित में या बोल करके या जैसे भी, तो उसको भी एग्जामिनेशन देने का परमिशन है। आप सोचिए कि जिसका एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड खो गया वो तक एडमिट एग्जामिनेशन में अलाउ हो रहा है, तो धुंधला फोटो वाले का क्या टेंशन है? वेब कैम से फ़ोटो लेने पर ज़्यादातर 90% लोगों का फ़ोटो क्लियर नहीं है, इसलिए उस परेशानी में मत पड़िए, वो अननेसेसरी चीज़ है। आप जो एडमिट कार्ड है उसका है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से प्रिंट करा के लेकर के जाइए। हर शिफ्ट के लिए दो दो कॉपी आपको लगेगा। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड आपका पहले आ गया था वही एस्टैब्लिश रहेगा। क्यूआर कोड की कुछ प्रॉब्लम पीछे आई थी, पर क्यूआर कोड आपकी प्रॉब्लम नहीं है। क्यूआर कोड ऐसी भी खबर थी कि क्यूआर कोड को बाद में अपडेट किया गया है, फिर बाद में एडमिट कार्ड भी हटा लिया गया। अब ये जितनी भी पेचीदगी बीपीएससी कर रहा है ये बीपीएससी समझे, आपने जो डाउनलोड कर लिया वो ठीक है, आप उसको लेकर के जाइए। अगर कोई मिस्टेक उनके एंड से है तो ये उनका प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फ़ोटो और सिग्नेचर की क्वालिटी को लेकर के परेशान नहीं होना है, और अब कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा।